तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फ़ोन आया है कीबोर्ड का। ये फ़ोन जो है चालू नहीं हो रहा, तो खोल के देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ है जिसकी वजह से ये चालू नहीं हो रहा। चलिए इसको खोलते हैं। पहले इसके ढक्कन को हम अलग कर लेते हैं, फिर इसकी बैटरी को निकाल लेते हैं, के सारे स्क्रू खोल लेते हैं दोस्तों। अपने इसके सारे स्क्रू को खोल लिया है। अब इसके जो बॉडी है इसको भी हम खोल लेते हैं। इसकी बॉडी है इसको साइड कर लेते हैं। ये हमने इसको खोल लिया है। इसका माइक भी निकाल लेते हैं। ये इसका दोस्तों स्पीकर है, इसको भी हम खोल लेते हैं। इसका जो लाइट है एलईडी, इसको भी हम निकाल लेते हैं। हमने पूरा इसका मदरबोर्ड, पूरा डिस्प्ले जो होता है पूरा हमने इसको खोल लिया है। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से ये चालू नहीं हो रहा है। पहले हम दोस्तों इसको मीटर से चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक मीटर से आवाज़ आ रही है। इसको हम चेक करते हैं कहीं एक शॉर्टिंग वोटिंग तो कहीं नहीं हुआ है। इसके लिए हम जो काला वाला वायर है इसको हम कहीं भी इसको रख देते हैं आउटपुट पे, और इसका इनपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं ये शॉर्टिंग दिखा रहा है दोस्तों। चलो इसको ठीक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे। चलो इसको ठीक करते हैं। एक इसके लिए दोस्तों हमें इसमें जो है एक जम्पर लगाना होगा। वो जम्पर दोस्तों, जम्पर यहाँ से, यहाँ इससे और यहाँ पे दोस्तों एक जम्पर लगेगा। जम्पर लगा कर देख लेते हैं कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। ये दोस्तों वायर है, इसी वायर से हम इसमें जम्पर लगाएंगे और चेक करेंगे फ़ोन को ऑन करके कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। को शॉर्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। दोस्तों जम्पर जो है लग चुका है। अब जो इसका जो वायर है फालतू का बेकार का, उस वायर को काट के रख कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो जम्पर जो है लग चुका है। अब फोन को दोस्तों ऑन करके देखते हैं कि फोन ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। तो चलिए इसकी बैटरी को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, फोन जो है ऑन हो चुका है। फोन हमारा ऑन हो चुका है कस्टमर का। अब देखते हैं ये पूरा फोन जो है पूरा ऑन हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो देखिए फोन जो है पूरा ऑन हो गया है। इसके बटन भी सारे काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फोन को पूरा असेंबल कर लेते हैं। इसकी जो इसका बॉडी पार्ट है,
बैटरी को लगा लेते हैं इसमें। बैटरी लगा चुके हैं, अब देखते हैं फ़ोन को ऑन करके। तो देखिए दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है, अभी फ़ोन पूरी तरीके से सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, कंप्लीट पूरा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए और ऐसी और वीडियो सीधा सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे और भी लोगों को रिपेयरिंग का काम सीखने को फ्री में मिले। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते आगे नई वीडियो पे और नई टॉपिक पे।